बहुत पुराने दोस्त हैं, ऐसी पहल कर रहे हैं तो मैं मुझे उनके साथ भी आ जाना चाहिए, इसने बुलाया हम आ गए। दूसरी बात ये कि जो ऐप है वो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ कहानी बनाना, कुछ नई नई चीज़ें लोगों के सामने लेकर के आना, अब अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक बहुत बढ़िया साधन है। और जो ये लोग शुरू कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इसका बहुत सारा अच्छा लाभ उठाएंगे और बहुत ही पॉजिटिव लाभ उठाएंगे इसका। मैं चाहूँगा कि वो लोग जितना ज़्यादा हो सके अपनी प्रतिभा को एक्सप्लोर करें और कुछ कमाल का क्रिएट करें, मेरी शुभकामनाएँ। शॉर्ट फॉर्मेट ऐप्स आ गए हैं, पहले हम लोग सुनते थे अबाउट टिकटॉक, जो फॉरेन ऐप्स थे, अब इंडिया के ऐप्स आ रहे हैं, तो उसमें बहुत मजा आ रहा है। और स्पेशली देखा जाए कि यू नो अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं, मराठी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगू हो, तमिल हो, सारे लैंग्वेजेस के लोग आ रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया का ऐप है यार, उसमें एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, एंटरप्रेन्योरियल स्किल हो, और इमेजिन कोई घर बैठे बैठे अगर उसके वीडियोस वायरल हो जाए तो उनको पैसे भी मिलते हैं यार। यानी पैसा कमाना, धन कमाना आपके हाथ में, बस फोन चाहिए और जय भीम ऐप चाहिए। और मैं यहाँ पे भी एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे हूँ, मैं उनके वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, खुद के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जय भीम पर भी, तो मेरी सेलिब्रिटी इंटरव्यू जय भीम बारे में ये है, खुशी की बात है कि हर देश का ऐप हमारे देश में आता है और पैसे कमाता है और बड़ा बन जाता है। हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे घर का है भी मैप जो यहाँ बनता है, इसका फायदा हम लोग उठाएंगे, हमारे जो बच्चे जो रील्स बनाते हैं वो इससे पैसे भी कमा सकते हैं और उनका जो हुनर है वो इस ऐप में आएगा और इस ऐप को इंडस्ट्री भी देखेगी और उनको भी अपनी इंडस्ट्री का आराम मिलेगा। तो अच्छी बात है कि अपने घर का ऐप है अपना, तो इसीलिए ज़्यादा जोर भरा हुआ है। मेरे बारे में थोड़ा बोलना चाहिए, मेरा नाम है नितिश राय कुमार, मेरे गाने को बहुत प्यार दिया आपने, आपकी कैप डाला, आपने बोला तुम मेरे ले जाओ, मुस्तफा करेंगे, प्रमोट करेंगे। सो आई थिंक मेरे फोन में आप जय भीम होने